आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो अंत तक देखना वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे गालियां दोगे। आज भारतवर्ष के लोग जहां सिर्फ एक पुस्तक के कट्टर समर्थक बने चले जा रहे हैं, वही भारत की मूल धरोहर, इसकी मूल संस्कृति के वंशज अपनी पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी भूले बैठे हैं। हमारी इस लाइब्रेरी में वेद, उपनिषद, उपवेद, स्मृति, संहिताएं और अन्य अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें आध्यात्म, जीवन, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य और साइकोलॉजी जैसे गूढ़ विषयों का ज्ञान भरा पड़ा है। पर कोई चाहे भी तो इन्हें पढ़ नहीं पाता। कारण तीन हैं: संस्कृत और गुरुकुलों का योजनाबद्ध पतन, बाह्य आक्रमण और ब्रिटिशर्स के द्वारा रचे गए प्रक्षिप्त। परंतु इनसे भी बड़ा एक कारण और है। अगर कोई युवा इन्हें पढ़ना भी चाहे तो उसे पता ही नहीं कि इन ग्रंथों में भला है क्या, और इतने नाम और संख्या सुनकर ही वह कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सरल भाषा में इन सब की क्रोनोलॉजी और थीम समझाना। हिंदू लिटरेचर को मेनली 6 ब्रांचेस में बांटा जा सकता है, जो हैं श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम और दर्शन। तो हिंदू लिटरेचर की 6 शाखाओं में सबसे पहले आती है श्रुति। आइए श्रुति के बारे में जानते हैं। श्रुति ग्रंथों को ही वेद कहा जाता है। इन्हें अपुरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि इनका कोई ऑथर नहीं है। वेदों के बारे में ये मान्यता है कि ये ऋषियों को गहरे ध्यान और तप की अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनका संकलन है, अतः इन्हें किसी ने रचा नहीं है। रॉबर्ट जे ओपनहाइमर जैसे फेमस फिजिसिस्ट ने खुद कहा था, एक्सेस टू वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दिस सेंचुरी में क्लेम ओवर द प्रीवियस सेंचुरी। इससे आपको वेदों का महत्व थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। तो आइए ब्रीफली वेदों को देखते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना, टू नो। इसी धातु से बना शब्द विद्या। तो वेदों का मोटा मोटा अर्थ हो जाता है नॉलेज। ये विश्व की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। इनमें केवल धार्मिक मंत्र नहीं बल्कि गहरा विज्ञान भी है, जिसका आइडिया लगाने के लिए आपको राजा राम मोहन रॉय की बुक वैदिक फिजिक्स साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म पढ़नी चाहिए। पर ये ध्यान रहे कि एक बार अगर आप इस सब्जेक्ट में घुस गए तो आप निकल नहीं पाएंगे। तो अब जानते हैं वेदों और उनके भागों के बारे में। सनातन सभ्यता में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेदा और कृष्ण यजुर्वेदा या तैत्रीय। ऋग्वेद के 21 खंड हैं, यजुर्वेद के 109 और सामवेद के 1000 और अथर्ववेद के 50 खंड हैं। हर एक वेद के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, जो हैं मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मंत्र संहिता: वेदों के इस भाग में मुख्यतः विभिन्न देवताओं या कहूँ नेचुरल फोर्सेस की प्रशंसा से जुड़ी ऋचाएं और मंत्र होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का आचरण करने वाले इसका अध्ययन करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था की पहली स्टेज होती है। ब्राह्मण: इस भाग में अलग अलग यज्ञ अनुष्ठानों की विधियां इत्यादि होती हैं, जिनमें मंत्र संहिता में बताए मंत्रों का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग गृहस्थ आश्रम की स्टेज पर किया जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण भाग हैं, ऐत्रेय और सांख्यन। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग का नाम है शतपथ ब्राह्मण। कृष्णा यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग का नाम है तैत्रीय और मैत्रियान। आरण्यक: वेदों के मंत्र संहिता और ब्राह्मण भाग में आए मंत्रों और विधियों को फिलोसोफिकली समझाने का काम आरण्यक भाग का है। इसका प्रयोग मुख्यतः वानप्रस्थ आश्रम के समय होता है। उपनिषद: ये भाग वेदों का 4th परंतु सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह वेदों का सार होता है। इस भाग में आत्म, परमात्म, पर ब्रह्म, जीवन और इनके गूढ़ रहस्यों पर चर्चा होती है। संन्यास आश्रम में इसका उपयोग मूलतः होता है। नील बोहर जैसे फेमस फिजिसिस्ट ने कहा था, आई गो इन टू उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चंस। उपनिषद भाग को ही वेदांत भी कहा जाता है। हर वेद से जुड़े कई उपनिषद हैं, जैसे ऋग्वेद से 21, यजुर्वेद से 109, सामवेद से 1000, अथर्ववेद से 50। तो इनकी संख्या लगभग 1180 हो जाती है। परंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद हैं ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, कथा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडका उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक का उपनिषद। तो वेदों को हम मोटे मोटे 2 भागों में बांट सकते हैं। मंत्र संहिता और ब्राह्मण मिलके बनाते हैं कर्मकांड, और आरण्यक और उपनिषद मिलके बनाते हैं ज्ञानकांड। उपवेदा: वेदों के साथ 4 उपवेद भी जुड़े हुए हैं, जो कि है आयुर्वेदा, द साइंस ऑफ हेल्थ,
धनुर्वेदा द साइंस ऑफ वॉर, गंधर्व वेदा द साइंस ऑफ म्यूजिक और अर्थशास्त्रा द साइंस ऑफ पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदू स्क्रिप्चर्स की 6 शाखाओं में दूसरी है स्मृति। ये बेसिकली सनातनियों के लॉ कोड्स हैं, यानी सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के नियम। ये समाज को वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ कर्तव्यों का बोध कराते हैं। स्मृति ग्रंथ समय अनुसार बदलते भी रहे हैं, परंतु इनका मूलाधार वेद ही है। प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति, यजनावल्क्य स्मृति और पाराशर स्मृति। इनमें से मनुस्मृति में काफी मिलावट यानी प्रक्षिप्त डाले गए थे। मनुस्मृति पर मैं अलग से वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सनातन धर्म में लगभग 18 स्मृतियां हैं। श्रुति यानी वेदों और स्मृति में यदि कोई विरोधाभास हो तो वेद सुपीरियर हैं। सनातनी स्क्रिप्चर्स की 6 शाखाओं में तीसरी है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है दैट विच हैपेंड। तो सनातन सभ्यता में 4 इतिहास हैं, वाल्मीकि रामायण, योग अवशिष्ट, हरिवंशा और महाभारत। वेदों में आए मिस्टिकल और फिलोसॉफिकल ट्रुथ्स ने जब घटनाओं का रूप लिया तब वो इतिहास बन गए। 2 सबसे प्रसिद्ध इतिहास या कहें महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। जहां रामायण आपको भक्ति, शौर्य और राइचियसनेस का ज्ञान देती है, वहीं महाभारत धर्म तथा कर्म और आत्मा और परमात्मा का सत्य दर्शाती है। भगवत गीता। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भगवत गीता, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान और रहस्य बताया। वेदों का सार है उपनिषदों में और उन्हीं उपनिषदों का सार है भगवत गीता। इसे यूं समझिए, उपनिषद गायें हैं, श्री कृष्ण गोपाल, अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत तुल्य दूध। भगवत गीता सनातनी ग्रंथों में शिखर पर रखी मणि के समान है। हर सनातनी को कम से कम भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। सनातनी स्क्रिप्चर्स की 6 शाखाओं में चौथी है पुराण। पुराण वेदों को पूर्ण करते हैं। उनमें वर्णित घटनाएं वेदों के सत्य के प्रति पढ़ने वाले में रुचि उत्पन्न करती है। वास्तव में वेदों को समझना बड़ा कठिन है, इसी कार्य को सरल बनाते हैं पुराण और उनमें आई घटनाएं। सनातन सभ्यता में 18 पुराण हैं, जिनका उद्देश्य वेदों में कोडेड और मिस्टिकल सत्य को जन साधारण तक रुचिकर तरीके से पहुंचाना है। पुराणों में सबसे प्रसिद्ध है श्रीमद् भागवत पुराण। पुराणों से जुड़े 18 उपपुराण भी हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स की 6 शाखाओं में 5वीं है आगम। आगम में तंत्र, मंत्र और यंत्र वर्णित हैं। आगम आपको जानकारी देते हैं ध्यान, क्रिया योग आदि के बारे में। ये मुक्ति, भक्ति, मंत्र, मिस्टिसिज्म, स्पेल्स, टेंपल बिल्डिंग आदि की जानकारी भी देते हैं। आगम के 3 भाग हैं, शैव, वैष्णव और शक्त। शैव भगवान शिव से जुड़े हैं, वैष्णव भगवान विष्णु से जुड़े हैं और वहीं शाक्त माँ भगवती आदि शक्ति से जुड़े हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स की 6 शाखाओं में 6ठी है दर्शन। सनातन धर्म के 6 दर्शन शास्त्र या 6 फिलोसॉफिकल डिविजन्स हैं। साधारण शब्दों में 6 जीवन दर्शन या 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहें इनको। इनका प्रयोग मुख्यतः सोसाइटी के लर्नेड लोग करते हैं। ये 6 कुछ इस प्रकार हैं: गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, कणाद ऋषि का वैशेषिक सूत्र, कपिल मुनि का सांख्य, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और भद्रायण का उत्तर मीमांसा। तो सनातन धर्म के 6 दर्शनों में पहला दर्शन है न्याय। न्याय दर्शन कहता है कि किसी भी सिद्धांत या कथन को तब तक स्वीकारा नहीं जा सकता जब तक वो अनुभव और तर्क पर खरी न उतरे। इसमें साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिकल थिंकिंग से नॉलेज अटेन करने का रास्ता वर्णित है। सनातन धर्म के 6 दर्शनों में दूसरा है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र का आधार है कि सभी वस्तुएं जो कि भौतिक जगत में हैं, वे अंततः एटम्स से बनी हैं और ब्रह्म उनके पीछे की ऑपरेटिंग कॉन्शियसनेस है। 6 दर्शनों में तीसरा दर्शन है सांख्य। सांख्य दर्शन वैसे तो सभी दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन है। इसका आधार है कि संसार और पूरी रियलिटी पुरुष और प्रकृति की देन है। पुरुष या कहे पर ब्रह्म कभी नहीं बदलता, वहीं प्रकृति परिवर्तनशील है। सनातन सभ्यता के 6 दर्शनों में से 1 दर्शन है योग दर्शन। यह 6 दर्शनों में सबसे प्रचलित दर्शन है। इसमें अष्टांग योग के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का संपूर्ण वर्णन है। इसके बाद 6 दर्शनों में आता है पूर्व मीमांसा। यह दर्शन न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को साथ लिए चलता है। इसमें वेदों को इटर्नल और सारे ज्ञान का केंद्र बताया गया है। इसके अनुसार वेदों में निहित कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। सनातन धर्म के 6 दर्शनों में अंतिम दर्शन है उत्तर मीमांसा। इस दर्शन को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। यह उपनिषदों पर आधारित है।
यह दर्शन स्वयं 6 और शाखाओं में विभाजित हो जाता है, आदि शंकराचार्य का दिया हुआ अद्वैत, फिर आता है रामानुज का विशिष्ट अद्वैता, माध्वाचार्य का द्वैता, निम्बर्क का द्वैत अद्वैता और वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैता, और उसके बाद आता है चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ अचिंत्य भेदा अभेदा। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, 18 स्मृति ग्रंथ, 4 इतिहास, भगवत गीता, 3 आगम और 6 दर्शन शास्त्र होते हुए भी आप सनातन धर्म के अध्यात्म और विज्ञान को यदि ना जान पाए तो आपको विचार करना चाहिए। और हाँ, चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।